बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक, उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ट्राउज़र डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये घेरा डिज़ाइन है जिसे हमने ट्राउज़र डिज़ाइन में मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखाना है। कलरफुल सा बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ट्राउज़र हमारे पास प्रिंटेड ब्रोशर टाइप है, ब्लैक एंड ऑफ वाइट सा कलर है, लेकिन जो इस पर डिज़ाइनिंग होगी कलरफुल सी होगी। जो चीज़ें चाहिए हमने वो तैयार करनी है। इसका पौचा वेट जो है ना 8.5 इंचेस है, और जो हमने ये देखें इस शेप में हमने कटिंग बनाना है, और उसके लिए मैंने गत्ते कांटे हैं, एक मैंने 3.5 इंचेस जो बड़ा है वो 3.5 इंच, छोटा देखें 3 इंचेस का, और जो बड़ा है वो 3.5 इंचेस का होगा। ये शेप में ही ऊपर से इसकी कटिंग है, इसलिए ऊपर से जो है ये यानी कि आधा इंच कम होगा दोनों पीस। अब एक दोनों पीसों को हम टू लेयर्स कपड़ा लेकर उसके ऊपर रख के हम सिलाई कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम छोटा गत्ता रख के उसकी उसकी यानी कि लाइंस लगा रहे हैं, उसके बाद हम बड़ा गत्ता लगा के उसकी यानी कि निशान लगा लेंगे। इनके बाद इन्हीं निशानों पे हमने सिलाई करनी है, पहले कटिंग करनी है और फिर सिलाई करनी है। छोटे और बड़े डिज़ाइन के निशान लग गए हैं, हम इनको अच्छे से कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सिलाई लग गई है, ये देखें ये सिलाई मैंने अच्छे से लगा ली है, और इस ये देखें इस तरह मैंने करके उसी निशानों के ऊपर सिलाई लगाई है। मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको कैसा लगता है। आपने सीधा करने के बाद इसको इस्त्री कर लेना, देखेंगे बिल्कुल सही शेप बन गई है। छोटा और बड़ा दोनों तैयार हो गए हैं। मुख्तलिफ कलर्स के आप कम्बिनेशन से तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने डिफरेंट कलर्स जो इसकी कमीज में कलर थे वही कलर यूज़ करके डिज़ाइनिंग की है। आप भी ऐसे प्रिंटेड जो आपके कलर्स हों आपके पास अवेल हों वही। मेरे पास ये 3 कलर मौजूद थे, ये देखिए मैंने एक कलर येलो और पर शॉकिंग बनाया है, एक शॉकिंग येलो बनाया है। 3 इंचेस कुछ पॉइंट्स ऊपर है और ये स्केयर फॉर्म में लिया है। इसको मैं एक स्मोशी शेप में दे दूंगी शेप। ये हर वीडियोस में बता चुकी हूँ मैंने इस्त्री कर लिया है। आप कुछ भी बनाने के लिए कर सकते हैं, इस्त्री कर लें सिलाई कर लें, वो आपकी मर्जी है। ये एक डोरी है जो 4 इंचेस मैंने ली है शॉकिंग कलर की, ये डोरी है। इसको मैं नॉट लगा रही हूँ, मैं इस पर 2 नॉट्स लगाऊंगी, पहले एक नॉट इसके सेंटर में और दूसरी नॉट इसके ऊपर इसके सेंटर में। ये देखें ये तैयार हो गया मेरा। अब इसमें हमने जो है येलो कलर का इस तरह का पत्ता लगाना है, और ये पत्ता मेरे पास एक लेफ्ट ओवर लैस का पीस था जिसे मैंने काटा है। ये देखिए मैंने यहाँ से काटा है। ये मुख्तलिफ आइडियाज़ है जो अगर आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सुई धागा लेके इसके साथ 2-3 टांके लगाऊंगी, जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है वहाँ शॉकिंग कलर के धागे के साथ मैंने बड़े अच्छे से सवाई से 3-4 टांके लगाने, वो पक्का हो जाएगा और उसे अच्छे से सवाई से बांध करके हमने काट देना है धागे को। ये देखें ये तैयार हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की लुक आ जाएगी इसको, जो हमने एडजस्ट करना है। हमने डिज़ाइनिंग इस तरह देनी है, पहले हमने समोसा 3 टुकड़ी जो बनाया हुआ है उसको लगाना है, और फिर हमने वो जो डिज़ाइनिंग काटी थी वो लगानी है, और इन सब के सेंटर में वो जो हमने डोरी लीफ बनाया है वो अटैच करना है। इन सबको लगाने के बाद देखिए हमने पिंस लगा लिए ताकि हमारा डिज़ाइन जो एडजस्ट रहे हिले ना। आपको इजी वे में बताती हूँ कि आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और साथ साथ सुइयाँ उतारती गई, सिलाई लगाती गई, लग गई। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने से पहले हमने इसके साथ एक और सिलाई करना है कपड़ा, ताकि हमारी डिज़ाइन नज़र आए सीधे तरीके से, पहुंचा खड़ा और सीधा रहे। ये देखिए कपड़ा उसके साथ का लेके इस तरह हमने सीधी सिलाई लगानी है। बैक साइड पे हमने सिलाई वहाँ लगानी है जहाँ हमने डिज़ाइनिंग की सिलाई लगाई थी, उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है हमने। ये हमने सिलाई लगा ली, अब हम मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम इसको आयरन करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि हमारा पोंचा जो है रेडी हो जाए। इस तरह देखें इस तरह, अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अभी आयरन किया है, मैं आपको आयरन करके ही दिखा रही हूँ। इसके बाद हमने सिलाई लगा लेनी है, अगर ना भी सिलाई लगाएं तो भी चल जाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर लेसेस का डिज़ाइन लगाना है। ये एक रेड कलर की जिगजैग डोरी है, इसको हमने सीधा इस तरह सिलाई के साथ लगा देना है। सबसे पहले ये लगाना है, थोड़ा सा फैंसी लुक आ जाएगी। उसके बाद हमने ये स्मोसी लेस है ऑरेंज कलर की, हमने ये अटैच करनी है। ये 2 सिलाइयों से लगेगी, एक सेंटर में एक इधर, और जो लीफ थे वो हमने जो 3 टुकड़ी है उसके ऊपर हमने 2 टांकों से लगा देने, एक ऊपर की तरफ टांका और एक सेंटर में एक नीचे की तरफ टांका। ये 3 टांकों से लगा देनी। आप चाहें तो इसको हीट गन से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो पक्का काम नहीं होता। ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया, देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल घेरे के साथ मैचिंग है। अब मैं आपको इसको क्लियर से करीब से दिखाती हूँ कि इसके ऊपर पहले हमने जिगजैग डोरी लगाई, फिर उसके बाद हमने स्मूसी लेस 2 सिलाइयों से लगाई, डोरी हमने 1 सिलाई से लगाई, जबकि फिर उसके बाद हमने लीफ लगाई सुई धागे के सामने, येलो कलर के धागे के साथ हमने 3 टांके लगाए दोनों कॉर्नर्स पर, एक सेंटर में। अब आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ लीफ कैसे लगा, बिल्कुल सफाई से काम हुआ। बैक साइड भी बिल्कुल सफाई से, पता ही डिज़ाइनिंग सारी छुप चुकी है अंदर, हमने जो नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया था। अब ये इस तरह की डिज़ाइनिंग अपने घर में कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। देखिए लेफ्ट ओवर से हमने
लीफ यूज़ किए और छोटे छोटे लहसुन के पीस यूज़ किए, और बाकी जो हमारी शलवारों के बचे हुए पीस होते हैं कपड़ों के, हमारी कमीज़ के बचे हुए पीस हमने वो डिज़ाइनिंग में यूज़ किए हैं। बहुत लो कॉस्ट हमारा डिज़ाइनिंग तैयार हुई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।